अगर आप हमेशा टायर्ड, स्लगिश, अनस्लीपी, बैड मूड में रहते हैं और आपका कुछ वजन भी बढ़ गया है तो ये लक्षण थायराइड के भी हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताते हैं कि थायराइड क्या होता है और ऐसे कौन कौन से 11 फूड हैं जिनका सेवन करने से आप अपने थायराइड ग्लैंड पर काबू पा सकते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? थायराइड बहुत ही आवश्यक ग्लैंड है। ये ग्लैंड गले के अगले नीचे हिस्से में होता है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक साथ नहीं दिखते हैं। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। ये ग्लैंड होते तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। टाइप्स ऑफ थायरॉइड्स। हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म थायरॉयड हार्मोन की इनसफिशिएंट मात्रा में बढ़ने के कारण होता है। ये थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की भीतर की समस्याओं से विकसित हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म थायरॉयड हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन के कारण होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की तुलना में कम होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण आमतौर पर बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। टाइप्स ऑफ फूड यू शुड टेक। सीवीड। थायराइड को पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन को संश्लेषित करने के लिए एक ट्रेस मिनरल आयोडीन की आवश्यकता होती है और रिसर्च से पता चला है कि हल्के आयोडीन की कमी से भी थायराइड की समस्या हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक के अलावा नेचुरल आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स है सीवीड। ब्राजील नट्स। थायराइड में किसी भी ऑर्गन से सेलेनियम सबसे अधिक होते हैं और रिसर्च से पता चला है कि सेलेनियम की कमी थायराइड डिसऑर्डर का एक अहम कारण हो सकता है। ब्राजील नट्स सेलेनियम का विशेष रूप से रिच सोर्स है। पेयर्स, प्लम्स, एप्पल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स। पेयर्स, प्लम्स और सिट्रस फ्रूट्स और एप्पल्स पेक्टिन्स रिच फूड है। एक जिलेटिनियस फाइबर है, विशेष रूप से हैवी मेटल्स को शरीर से साफ करने में मदद करता है और थायराइड के भी लक्षण को कम करता है। मिल्क। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्चर्स द्वारा 2008 में एक रिसर्च के अनुसार अमेरिकी डाइट में अधिकांश फूड डेयरी प्रोडक्ट से आता है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए मिल्क से बेटर और कुछ नहीं है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स थायराइड को कंट्रोल में रखते हैं। फिश। फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड और सेलेनियम से भरपूर होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि सेलेनियम आपके थायराइड हार्मोन को सुधारता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में सैल्मन और ट्यूना मछली का सेवन करना चाहिए। आप हर रोज एक संतुलित मात्रा में मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जरूरत से ज्यादा मछली को पकाए नहीं। एग्स। अंडे आपको थायराइड से भी काफी आराम दिलाएंगे। अंडे आयोडीन और प्रोटीन का अहम सोर्स है और इसका सेवन हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में ही किया जा सकता है। आप 2 अंडे एक दिन में खा सकते हैं, लेकिन ये आपके शरीर पर निर्भर करता है क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता। लिनसीड सीड। लिनसीड के सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन के अच्छे सोर्स है। ये कई बीमारियों से बचाव करते हैं और उनमें से एक है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी, आप अपने स्मूदी या नाश्ते में लिनसीड का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं या फिर खाना पकाने के लिए लिनसीड का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। आप सुरक्षित रूप से प्रतिदिन 2-3 बड़े चम्मच बीज पाउडर और 2 बड़े चम्मच लिनसीड का तेल भी ले सकते हैं। सूप। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपकी हड्डियाँ कमजोर हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकती है। ऐसे में सूप आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सूप में ग्लाइसिन और प्रोलीन नमक एमिनो एसिड होते हैं, जो पाचन तंत्रों को ठीक करने में और हाइपोथायरॉयडिज्म में सुधार करने में मदद करता है। आप लंच या डिनर के लिए 1 कप सूप का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग के लिए अच्छे होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म हड्डियों को पतला और कमजोर बनाता है और इसीलिए हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लाल और हरी मिर्च, टमाटर और ब्लूबेरी खाने में शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जाता है, इसीलिए थायराइड के रोगी को फ्रूट्स और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सोया। सोया मिल्क, टोफू या सोया बीन में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हार्मोन को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको आयोडीन की मात्रा को भी नियंत्रित रखना है। आयोडीन सॉल्ट।
अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के अनुसार थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म और गोइत्र हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आयोडीन का उत्पादन नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए जिनमें आयोडीन की अच्छी सी मात्रा हो। इसका सबसे अच्छा तरीका आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना है। तो दोस्तों, ये थी थायराइड से जुड़ी कुछ जानकारी। तो अगर आपको भी थायराइड है तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके कौन से फूड्स का सेवन करना चाहिए, और ये सारे फूड्स अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। तो अगर थायराइड से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।